बच्चों, लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन्स के बारे में, और इसके बाद डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में डिस्कस किया था, नॉमेनक्लेचर कि इसके नाम में ओइक एसिड लगता है सफिक्स के रूप में, और इसके पश्चात कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लासिफाई भी किया था, इसका वर्गीकरण किया था नॉमेनक्लेचर, और इसको किस किस विधियों द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता है, इसको बनाने की कौन कौन सी रासायनिक विधियां हैं, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को किन किन रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। आज उसी के आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में सॉल्ट फॉर्मेशन, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे किससे कराते हैं जिससे कि लवण या सॉल्ट बनता है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट या सॉल्ट फॉर्मेशन, लवण का निर्माण। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें COOH सिंगल लगाओ, तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें दो COOH ग्रुप लगे हों तो वो डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें तीन लगे हों ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH ग्रुप सिंगल लगा हुआ है वो कहलाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किन किन यौगिकों के साथ, किन किन रासायनिक पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सॉल्ट फॉर्मेशन या लवण का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले देखें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आर्क मतलब कोई एल्किल और इसके संग COOH लाइए, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। तो सोडियम से कराने पर क्या बनता है, RCOONa, मतलब जो ये H होता है H सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, H हट जाता है और H के स्थान पर सोडियम आ जाता है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन, H जो अलग होता है वो हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि सोडियम से कराते हैं तो हाइड्रोजन और सोडियम रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और ये सोडियम का साल्ट बन जाता है, सोडियम का एस्टर साल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें दूसरा देखें RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो भी इसमें ये सोडियम का सॉल्ट बन जाता है RCOONa हाइड्रोजन। यहाँ पर ये H और ये OH ये मिलके क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये OH और ये H मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है ना, और ये सोडियम के साथ जुड़कर ये सॉल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। इसी के पश्चात ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर भी ये OH और H मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और H के स्थान पर ये NH4 जुड़ जाएगा तो ये अमोनियम सॉल्ट बन गया, अमोनियम जुड़ गया उसके H की जगह। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनता है, इसमें यहाँ देखिए ये H
और CA ये एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। H और OH मिलकर के ये तो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। यहाँ पर ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु लिए गए तो H भी दो हैं और दो OH भी हैं, तो ये H और OH मिलकर के क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल, और कैल्शियम इसी तरह से जुड़ जाएगा। तो ये कैल्शियम RCOO का होल ट्वाइस CA बन जाता है, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ करके। यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए इसका ये होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है ना। सोडियम की 1 होती है तो ये सीधा जुड़ जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। इसके पश्चात देखें RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन किससे कराती है, सोडियम ऑक्साइड से Na2O से। तो यहाँ पर भी ये देखो सोडियम सॉल्ट RCOO Na बन जाता है, और यहाँ पर ये H और ऑक्सीजन ये मिल करके, यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं तो दो H हो गए और एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ सोडियम सॉल्ट ये बन रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अम्लों से ये जुड़ करके। इसी प्रकार से RCOOH Ag2 सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो ये सिल्वर का सॉल्ट बन जाता है RCOOAg, और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ दो H होंगे और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। इसी प्रकार से यहाँ भी दो OH और एक ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी प्रकार से देखें RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट से कराए। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट किसी से भी रिएक्शन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं या सोडियम कार्बोनेट से, दोनों ही कंडीशन में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है इसमें। तो जैसे ही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो इसमें इफ्रेंस या बुदबुदाहट होती है, तो उसमें क्या है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये सोडियम का सॉल्ट बन जाता है RCOO Na, ठीक है ना, और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट से करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो ये बन जाता है सोडियम का सॉल्ट बन जाता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक लेड कार्बोनेट से कराते हैं PbCO3, तो यहाँ पर लेड का सॉल्ट बन जाता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन सभी कंडीशन में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी, ठीक है ना, और उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो इस सभी में देखें तो जो ये सॉल्ट बन रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से मिल करके रिएक्शन करके, और अधिकांश में पहले में तो देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त रही, बाकी सभी में ये वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, सभी में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, और कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगी, अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, वरना सभी में ये वाटर मॉलिक्यूल एक निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और सभी में सॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ R की जगह आप CH3 लिख दें तो CH3COONa हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम एसीटेट, क्या कहलाएगा, सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार से यहां पर भी R की जगह CH3 लगा दें तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। उसी प्रकार से R की जगह अगर CH3 ले लेते हैं तो यहां पर जैसे अमोनियम है तो अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। तो अधिकांश ये जैसे सिल्वर एसीटेट, सोडियम एसीटेट, लेड एसीटेट,
तो ये एसीटेट साल्ट बन जाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ हाइड्रोजन जो सी डबल ओ एच के साथ जो हाइड्रोजन है वो सोडियम कैल्शियम या लेड के द्वारा प्रतिस्थापित होता है रिप्लेस होता है जिसके परिणाम स्वरूप साल्ट बनता है और सभी में हाइड्रोजन गैस बनेगी या जल बन जाएगा और कार्बोनेट से रिएक्शन करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है ध्यान देना है क्या कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन किससे करा दीजिए सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट किसी से भी करा दीजिए तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा ठीक है ना। और इसमें जल भी सभी में बनेगा जल नहीं तो हाइड्रोजन गैस और नहीं कार्बोनेट हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये सॉल्ट फॉर्मेशन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा कैसे होता है वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।